तो आज जो सर्जरी हो रही है 26 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है, उसको ग्रेड 4 बालनेस है। हम FEV सर्जरी करने वाले हैं। जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसमें फर्स्ट थिंग आता है कंसल्टेशन। उसमें पेशेंट का बाल एरिया और डोनर एरिया को असेस किया जाता है, कितना डोनर उनके पास है ये देखा जाता है। तो इनमें हम 4000 ग्राफ्स कर रहे हैं। ये सर्जरी आज चलेगी और कल भी वो सर्जरी चलेगी। तो ये सर्जरी करते वक्त हम क्या करते हैं, पेशेंट जब आता है तो उसको उसके सीरियल फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, उसके बालनेस के फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं ताकि आगे जाके उनको कंपेयर कर सके। फिर उसके बाद पेशेंट का हेयरलाइन डिजाइनिंग होता है और वो हेयरलाइन नेचुरल दिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम उनको मेरा प्लान क्या क्या करने वाला हूँ ये एक्सप्लेन किया जाता है, कहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कितना एरिया कवर करने वाला हूँ ये एक्सप्लेन किया जाता है। पेशेंट से कंसेंट साइन की जाती है कि वो ये सर्जरी के लिए तैयार है। इसके पहले हम उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया रहता है कि पेशेंट के ब्लड सैंपल चेक किए जाते हैं, देन ECG, एक्सरे चेस्ट, ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद पेशेंट को MD मेडिसिन डॉक्टर से यानी फिजिशियन से हमको एक सर्टिफिकेट लाना होता है, जो वो डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करके उसको मेडिकली फिट बोलता है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। तो इस तरह प्रिपरेशन होने के बाद सर्जरी चालू होती है। उससे पहले उनका पूरा सर ट्रिम किया जाता है, डोनर एंड रेसिपिएंट एरिया आल्सो। वो ट्रिम करने के बाद उनके हेड को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है। उसके बाद पेशेंट जब OT में आता है, फर्स्ट स्टेप होती है एनेस्थेसिया। हम लोग नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया देते हैं, मीन्स यहाँ पर सुप्रा ऑर्बिटल नर्व रहती है, यहाँ पर सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व रहती है, यहाँ पे ऑर्बिटो टेम्पोरल नर्व रहती है, पीछे ग्रेटर ऑक्सीपिटल लेसर ऑक्सीपिटल नर्व रहती है। तो उनको ब्लॉक किया तो पूरा एरिया ब्लॉक होता है। अगर कुछ रहता है तो हम वहाँ पे एक्स्ट्रा एनेस्थेसिया देते हैं। एनेस्थेसिया देने के बाद फिर एक्चुअल प्रोसेस चालू होता है। उसमें फर्स्ट स्टेप रहता है प्रीमेड स्लिट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्जरी का, इसमें हर एक हेयर की एंगल क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कहाँ पर कितने ग्राफ डालने हैं, कौन से ग्राफ डालने हैं, सिंगल हेयर कहाँ, टू हेयर कहाँ, मल्टी हेयर ग्राफ कहाँ, ये सब इसमें डिसाइड होता है। इस पर हेयर ट्रांसप्लांट का नेचुरल रिजल्ट डिपेंड करता है। ये जो प्लानिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर गलत एंगल गलत डायरेक्शन से प्लांटेशन किया तो वो अननेचुरल दिखने लगता है। तो ये प्रीमेड स्लिट्स मैं खुद करता हूँ। ये प्रोसेस में जब मैं ये स्लिट्स बना रहा हूँ उस समय एक बंदा मेरे पास बैठा है काउंटर के साथ, वो काउंट कर रहा है मैं कितना स्लिट बना रहा हूँ वो। और ये काउंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि कहाँ पर कितने ग्राफ हम डालने वाले हैं। तो अगर ये काउंटिंग नहीं रहेगा तो कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि एक बाजू ज़्यादा डेंस हो गया है, एक बाजू कम ग्राफ डाले गए हैं, तो ये काउंटिंग होता है। प्रीमेड स्लिट्स होने के बाद उसी समय हम उनका ब्लड भी लेते हैं PRP के लिए। उससे ब्लड से PRP सेपरेट करके हम वो ट्रांसप्लांट करने वाले एरिया में इंजेक्ट कर देते हैं ताकि
उनके एग्जिस्टिंग बालों को और ट्रांसप्लांटेड बालों को उसका इफेक्ट मिले। इसके बाद एक्चुअली ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन चालू होता है। ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन एफयू में सिंगल सिंगल ग्राफ्ट लेते हैं। हमारे हेयर्स जिनको फॉलिकल बोलते हैं ये ग्रुप में रहते हैं, उनको फॉलिकुलर यूनिट्स बोलते हैं। जब एक्सट्रैक्शन होता है, ग्राफ्ट डोनर एरिया से निकालते हैं, तो ये प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डोनर एरिया जो है वो लिमिटेड डोनर एरिया हमारे पास है। और कोई भी सर्जरी प्लान करते वक्त है, ट्रांसप्लांट सर्जरी, वो एक प्रोसीजर के लिए कभी प्लान नहीं करनी होती है, क्योंकि बार्डिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो वो सर्जरी उन पेशेंट के लाइफ टाइम के लिए प्लान करनी चाहिए। तो जब हम यहाँ से ग्राफ निकालते हैं तो यूनिफॉर्मली पूरे एरिया से ग्राफ निकालते हैं, और ग्राफ ऐसा निकाला जाता है कि हर ग्राफ के लिए ग्राफ के अराउंड नॉर्मल हेयर फॉलिकल्स होनी चाहिए। तो वो एक्सट्रैक्शन पैची नहीं दिखता, बाद में जब बाल ग्रो होते हैं तो कहाँ से ग्राफ लिया वो दिखता नहीं है उससे। और नेक्स्ट सर्जरी अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तभी भी वहाँ से वो ग्राफ हम ले सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं ग्राफ जो रहते हैं उनको पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्टोर करते हैं। हम चिलर्स यूज़ करते हैं, उनका 8-10 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ये प्लांटेशन प्रोसेस है, इसके लिए हम सावा इम्प्लांटर्स यूज़ करते हैं। इनमें एक स्लॉट रहता है, उसमें ग्राफ्ट को लोड करते हैं और वो इम्प्लांटर हमने जो प्री मेड स्लिट्स है उसमें अंदर डाल के ग्राफ्ट को सिर्फ नीचे खींचा जाता है, तो वो ग्राफ्ट वही एंगल डायरेक्शन में वो स्लिट में जाके बैठता है। ये पूरे प्रोसेस में हम एक चीज़ करते हैं कि हम नो रूट टच टेक्निक यूज़ करते हैं। मीन्स हम पूरे प्रोसेस में ग्राफ के रूट को टच भी नहीं करते। तो नो रूट टच टेक्निक के कारण सभी ग्राफ अच्छी कंडीशन में प्लांट हो जाते हैं। तो आज की सर्जरी ख़त्म हो रही है पेशेंट की। हमने आज उनके 3100 स्लिट्स लिए थे और आज हम उनमें 1530 ग्राफ्स निकाल के उनको प्लांट कर दिए। अब पेशेंट को सर्जरी ख़त्म होने के बाद हम डोनर एरिया को ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करने के बाद उसको पोस्ट ऑप केयर, आज की रात का क्या केयर लेना है उसके बारे में हमको उनको बताते हैं, और उसके बाद पेशेंट अपने घर जा सकता है। कल वापस सुबह वो आएगा, उसका जो बचा हुआ स्लिट्स है, मीन्स 4000 प्लान किया था तो अभी 900 स्लिट्स बचा है, वो स्लिट्स बनाएंगे और रिमेनिंग ग्राफ्स को एक्सट्रैक्ट करके फ्रॉम ये साइड, और जो कुछ भी रिमेनिंग है वो बियर्ड में से लेके हम उनको प्लांट कर देंगे। तो कल क्या होगा वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी।